पिता दादाजी जब अपने पौत्र या अपने पुत्र को खूब बड़ी संपत्ति दे दें और पुत्र उसका नाश कर दे और दरिद्रों की तरह सड़क पर घूमता रहे तो किसका दोष है? उन्होंने संपत्ति दिया, तुम्हारे लिए थाती रखी, पर पूत कपूत तो क्या धन संचे और पूत सपूत तो क्या धन संचे। इसलिए मनुष्य जब तक संस्कारवान नहीं होता, दो दिन तो मैकोले के ऊपर बोलता हुआ हो गया, अब कितना बोलूं? हनुमत कथा रहस्यम को छोड़कर के लोग कहीं मैकोले कथा रहस्यम नाम ना रखते, ये आदमी मैकोले के ऊपर अंग्रेजों के ऊपर इतना क्यों बोलता? पर एक कुशल वैद्य या कुशल डॉक्टर कभी लक्षण का उपचार नहीं करता, कारण का। व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस? लक्षणों के उपचार से क्या होगा? माथा में दर्द होगा, दर्द निवारक गोलियां खाओगे, किडनी लीवर सबकी खराबी के लिए तैयार रहो। और ट्रांसप्लांट कराने का अगर बहुत ज्यादा रुपए हो गए हों, पर आज तक दुनिया में ट्रांसप्लांट सक्सेस हुआ नहीं है, क्योंकि WHO आपको कभी बताएगा नहीं ये बात, वो तो कोई निर्भीक महात्मा ही बताएगा तुम्हें। जो सामान्य जीवन है वो ट्रांसप्लांट के बाद कोई नहीं जी सकता, बहुत कठिन। एक नॉर्मल लाइफ, सहज जीवन, गांव के गन्ने तोड़ के खा लेना, मक्का खा लेना, चने खा लेना, और फिर एक ऐसी जिंदगी जहां दिख तो हर कुछ पड़ रहा है पर ले कुछ नहीं सकते। काश के इसके 1% संयम भी गुरु के कहने से, धर्म और शास्त्र के कहने से, अपनी संस्कृति के कहने से अगर संयम कर लिया होता तो इतने अब संयम करने की जरूरत नहीं पड़ती। जीवन में संयम का बड़ा महत्व है। और आज नहीं करोगे तो कल करना पड़ेगा, और कल जब करोगे तो रो रो के करोगे, मजबूरी में करोगे। आज करोगे तो धर्माचरण, गुरु आज्ञा, धर्म पालन, ईश्वर की प्रसन्नता हेतु, न जाने कितने और एक्स्ट्रा बोनस तुम्हें मिल रहे हैं। शरीर खराब हो गया उसके मजबूरी में तुम कुछ करते हो और परमात्मा से आशीर्वाद चाहते हो, वही किस लिए? न काम के रहे दुकान के, न काम के रहे मकान के, तब तो एक ही जगह बचाए श्मशान। इसलिए जो धार्मिक होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, यद्यपि गहरे अर्थों में धर्म और आध्यात्म में भी बड़ा गहरा अंतर है, पर यह विषय यहां का नहीं है। इस विषय में तो पता नहीं माथे खुजाने लगेंगे आप कुछ देर के बाद। धर्म अलग, रिलीजन अलग, स्पिरिचुअलिज्म अलग, यस बहुत कुछ अलग है।